हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको ज्योमेट्रिकल फिगर जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पोर्शन है का चैप्टर का नेम है उसमें एक उसके जो है आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे और उसकी आपको पीडीएफ भी नीचे हम प्रोवाइड करवा देंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वो कैसे डाउनलोड करना है एक बार वो सुन लीजिएगा, उसके ऊपर पासवर्ड भी लगा हुआ है तो एक बार सुन लीजिएगा बात पूरी फिर डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले तो हम आपको इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर के हम करवाते चलेंगे आपको। आज ये ज्योमेट्रिकल फिगर का चैप्टर आया है और हर रोज़ आपको वीडियो मिलती रहेगी, 4-5 दिनों में आपको सभी की सभी पीडीएफ मिल जाएगी और सभी क्वेश्चन हम इंजन ड्राइविंग के करवा देंगे। तो ये आपको नीचे मैंने फेसबुक का लिंक दे दिया है, मेरे फेसबुक पेज का लिंक, वहाँ से आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरे पेज को लाइक करना है और फॉलो करना है। उसके बाद आपको जो है न्यूज़ फीड देखने को मिल जाएगी और न्यूज़ फीड के अंदर आप पहला ही देखोगे तो उसके अंदर आपको ज्योमेट्रिकल फिगर मिल जाएगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं एक बात, अगर आप पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स भी इसके चाहते हैं इंजीनियर ड्राइंग के और सभी के सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन चाहते हैं तो उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिया है एक बुक का, वो आप बुक बाई कर सकते हैं सिर्फ 65 रुपये में। और फ्री पीडीएफ आप चैप्टर वाइज लेना चाहते हैं क्वेश्चनों की ओनली तो उसके वो आपको फ्री मिल जाएगी। नीचे फेसबुक का लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब ये देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह ठोस आकृति जिसकी आधार व सिरों के अनुसार विभिन्न भुजाएं होती है उसको बोलते हैं प्रिज्म। प्रिज्म कुछ इस तरह से होता है, जैसे ये पंचभुज हो गई तो इसको ऊपर एक कोने में मिला दिया जाता है, ये एक तरह का प्रिज्म 3D शेप बन जाती है जिसकी आधार भी होता है, सिरों के अनुसार विभिन्न भुजाएं भी होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है RRB भोपाल सेक्शन इंजीनियर 24/11/2002 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिज्या में समकोण बनाकर परिधि को छूती हुई रेखा क्या कहलाती है? वो कहलाती है स्पर्श रेखा। जो परिधि को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची स्तंभ के सभी तिर्यक फलक कैसे होते हैं? वो होते हैं त्रिभुजाकार होते हैं। कैसे होते हैं फ्रेंड्स? त्रिभुजाकार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म ट्रायंगुलर प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती हैं? तो तीन तो ऊपर वाली हो जाती है फल के, जैसे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ये ट्रायंगुलर हो गई, ऐसे ऐसे तीन बनेगी, एक दो तीन तो ऊपर वाली हो गई और एक नीचे वाली और एक ये, तो टोटल मिलाकर के 5 हो जाती है। ये टेट्राहेड्रल कोनल जो है शेप बन जाती है एक अनुसार देखें। इसके बाद नेक्स्ट है, एक सम पंचभुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतह होती है? तो इसका आंसर आएगा सम पंचभुजाकार में 7 होती है, जो भी आपसे पूछी गई है उसमें 2 जोड़ दीजिएगा आप, जैसे पंचभुज की पूछे तो 5 और 2 7, त्रिभुज की पूछी थी तो 3 2 5, चतुर्भुज की पूछे तो 4 और 2 6, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ये भी सेक्शन इंजीनियर में 15/3/2009 के पेपर में आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सम षटभुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती है? सम षटभुजाकार आ गया तो 6 और 2 8, इसके अंदर 8 हो जाएगी। इसके बाद आगे नीचे क्वेश्चन नेक्स्ट, कुछ ठोस सिंगल कवर्ड्स है सिंगल कर्व सरफेस से घिरे होते हैं, इन्हें अनरोल करने में कैसी सतहें मिलती है? तो इसका आंसर आ जाएगा इन्हें प्लेन सतहें मिलती है, प्लेन सतह मतलब प्लेन सरफेस इनको मिलता है। थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये, ऐसे समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार के सॉलिड के अक्ष एक्सिस जो है आधार पर लंब होता है? तो राइट सॉलिड के अंदर आप सभी जानते हैं कि 90° एंगल बनता है और वही पूछा है आधार पर लंब, लंब का मतलब होता है 90° एंगल। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से किस सॉलिड के आधार समान ज्योमेट्रिकल चित्र होते हैं? समान ज्योमेट्रिकल चित्र जो होते हैं वो होते हैं रेगुलर सॉलिड के अंदर, या रेगुलर पॉलीगन बोल दे वो भी आप कर सकते हैं। इसमें क्या होता है सभी साइडें जो है इक्वल होती है और यही पूछा है सभी आधार समान होते हैं, तो सभी भुजाएं जो है जैसे रेगुलर हेक्सागोन हो गया ये इस प्रकार कर करके, तो इसमें सभी के सभी छह की छह भुजाएं समान हो गया, ऐसे रेगुलर पेंटागन हो गया, हेप्टागन, इस तरह से कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट के, 3 से अधिक प्लेन्स या समतल सतहों से घिरे सॉलिड को क्या कहते हैं? पॉलीहेड्रा। 3 तक त्रिभुज तो त्रिभुज होते हैं, 3 से ज़्यादा हो जाती है जैसे चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, इनको हम बोल देते हैं कुल मिलाकर के पॉलीहेड्रा या पॉलीगोन या जो भी आप इनमें कहें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सॉलिड में संभव त्रिभुज के आकार के कुल 4 फेस होते हैं? किस सॉलिड में संभव त्रिभुज के आकार के कुल 4 फेस होते हैं? तो वो टेट्राहेड्रन हमने अभी भी बताया आपको, जो आपने साइंस पढ़ी होगी तो उसमें भी आपने किया होगा, इस तरह की ये आकृति होती है, 4 3 ऊपर वाले और 2 ये नीचे वाले, तो ये कुल मिलाकर के 5 इसमें भी हो जाते हैं और टेट्राहेड्रन की ये शेप होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में कुछ
सॉलिड दिए गए हैं, इनमें से हेक्सा हेड्रॉन कौन सा है, छः भुजाओं वाला। तो छः भुजाएँ, तो छः फलक तो घन में होते हैं, आप सभी जानते हैं, तो ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रिज्म के फेस इस आकृति के होते हैं। प्रिज्म के फेस किस आकृति के होते हैं? वर्ग भी होते हैं और आयत भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें घन की, तो उसके तो होते हैं वर्ग जैसे, और जब बात करें हम जैसे घनाभ की, तो उसके होते हैं आयत जैसे। तो ए और बी इसका दोनों का आंसर आ जाएगा। नंबर 18 है, प्रिज्म और पिरामिड के नाम कैसे रखे जाते हैं? आधार के आकार के अनुसार, आधार के आकार के अनुसार प्रिज्म और पिरामिड के नाम रखे जाते हैं। प्रिज्म क्या होता है, 3D शेप में होता है, और पिरामिड क्या होता है, उसको 2D ही मान करके हम चलते हैं तो लगभग। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही ऊंचाई तथा व्यास के बेलन व शंकु अपने धार पर भूमि पर स्थित हों तो क्षैतिज तल से प्राप्त इन्हें प्रक्षेप होंगे, समानाकृति के होंगे। जब व्यास और ऊंचाई सेम है तो समानाकृति के आपको प्राप्त होंगे। पटना इलाहाबाद केंद्र पूछा गया है, व्हाट टर्म इज यूजुअली अप्लाई टू दिस फोल्ड आउट ऑफ ए ट्रंकेटेड प्रिज्म? तो इसका क्या आएगा आंसर, इसमें पूछ रखा है, विच्छेदित प्रिज्म के इस फोल्ड आउट के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द क्या है? तो ये क्वेश्चन आपके नॉलेज से बाहर है थोड़ा, इसको डेवलपमेंट आप याद रख लीजिएगा, इसको यहाँ पर समझाना अभी ठीक नहीं रहेगा, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, ये काफ़ी थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है, रेगुलर पॉलीहेड्रल सॉलिड हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ फेसेस इज, आपको पता है 3 से ज़्यादा भुजाओं वाले को पॉलीगोन बोलते हैं और 3 से ज़्यादा फलक वालों को पॉलीहेड्रल बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चतुष्फलक इसके अंदर होने चाहिए। ये नीचे मैंने फेसबुक का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर है, षट भुजाकार प्रिज्म में पास रहा किस आकृति में होती है? तो ये सभी जानते हैं आयताकार में होती है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अब है, 8 एक समान लंबाई वाली भुजाओं से बनी त्रिभुजाकार स्तंभ में कौन सी ठोस आकृति बनती है? ऑक्टाहेड्रन, 8 से ऑक्टाहेड्रन। चतुर्भुज 4 भुजाओं वाली होती है, घन 6 भुजाओं वाली, आयताकार 4 भुजाओं वाली, तो ऑक्टाहेड्रन हो जाएगा। विपरीत भुजाएं बराबर और समानांतर, विपरीत कोण बराबर है परंतु विकर्ण बराबर नहीं है, लेकिन एक दूसरे को दो विभाजित करते हैं, इसका सही नाम क्या होगा? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, विकर्ण जो है आप ऐसे देख लीजिएगा, ये समांतर चतुर्भुज एक आयत ही लगा लो आप, ये 90 डिग्री पर काटती है आयत की और ये इक्वल भी होती है इनके विकर्ण दोनों। लेकिन जब बात आती है समांतर चतुर्भुज की, जैसे कि हम बात करें समांतर चतुर्भुज, तो इनके विकर्ण जो है एक समान प्रकट नहीं करते, ये ऐसे बराबर होते हैं और ये ऐसे ऐसे बराबर होते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों चारों चारों विकर्ण एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया, वृत्त की वृद्धि के अंश को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं चाप। जैसे कि ये वृत्त है और इसके ये जो दो अंश हमने बना दिए, तो ये वाला जो हिस्सा होगा इसको बोलते हैं चाप। वृत्त में एक वृत्त में डिग्री कितनी होती है? 360 सभी जानते हैं। ये जो एंगल किसी बिंदु पर बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सभी वस्तुएं एक ज्यामितीय सतह से घिरे होते हैं, इन सतहों को विभिन्न प्रकार के वर्गीकृत कर सकते हैं, कौन सा ठोस समस्त ऐसे घिरा होता है? तो पिरामिड होता है, पिरामिड आप सभी जानते हैं। एक अष्टभुजी बहुभुज को क्या कहते हैं? ऑक्टागोन, 8 भुजा वाली को ऑक्टागोन, 6 भुजा वाली को हेक्सागोन, 10 भुजा वाली को डेकागोन और 7 भुजा वाली को हेप्टागोन। पिरामिड के फेस इस कार के होते हैं, पिरामिड के फेस जो होते हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, इस तरह के फेस होते हैं ये और ये समान होते हैं। इसमें 12 भुजाओं वाले समबाहुभुज के आंतरिक कोण का मान क्या होता है? 12 भुजाओं वाले का आंतरिक कोण का मान आप अगर आप निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं 2n-4/n (90°). तो n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, तो 2n, तो क्या करेंगे हम, 12 × 2=24 में से 4 गए 20, 20 बटे में n फिर आ गया, तो n कितना आया 12, तो 20 बटे में 12 × 90 करेंगे तो 150 डिग्री आ जाएगा हमारा। समभुज के कोनों के बिंदुओं को केंद्र से मिला दें तो समबाहु त्रिभुज बनती है, समबाहुभुज के कोनों के बिंदुओं को मिला दें तो षटभुज ही बनेगी। किसी शंकु या पिरामिड को उसके आधार के समानांतर काट कर उसके ऊपरी हिस्से को हटाने पर शेष निचले भाग को क्या कहते हैं? फ्रस्टम, ये आप डायरेक्ट याद रखिएगा, ये तो फ्रस्टम बोलते हैं उनको।
ये तो टर्म है, इसको कुछ समझाने का है नहीं कुछ नहीं। एक बहुभुज के आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग क्या होता है? जैसे आंतरिक कोण, जैसे ये कोई बहुभुज का एक इंटरनल एंगल है और ये आउटसाइड एंगल है, तो ये एक रेखीय युग्म बनाता है, स्ट्रेट लाइन एंगल हो जाता है, तो ये होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री रेखीय युग्म। किसी ड्राइंग में पेंटागोनल पिरामिड पहचाने, पेंटागोनल पहचानना है आपको, तो पेंटागोनल जिसमें पांच भुजाएं, देखें ये है ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर शेप का, ये भी, ये थोड़ा चतुर्भुज सा आ जाता है, नीचे चार भुजाएं हैं, नीचे इसमें पांच भुजाएं हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5 भुजाएं, ठीक है। एक समभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है? बाह्य कोण का क्या योग होता है? 360 डिग्री। सिंपल सी बात है, इंटरनल एंगल साइड वाइज अलग अलग होते हैं, लेकिन बाह्य कोण की जब भी बात आती है तो वो 360 डिग्री होता है, और जब एक बाह्य कोण की माप पूछे तो बटे में एन कर देते हैं। बहुभुजों की भुजाओं की संख्या आधार पर मान जाते हैं सपाट चित्र हेप्टागोन, हेप्टागोन का मतलब होता है सात भुजाओं वाला, तो सात भुजाएं इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। घन के सभी फलक कैसे होते हैं? वर्गाकार होते हैं। घन में तो सभी साइड, सभी पार्ट जो होते हैं उनके फलक इक्वल होते हैं। बहुभुज अपने भुजाओं की संख्या द्वारा जाने जाते हैं, इनमें से कौन सी समतलाकृति नौ भुज है? नौ भुजाओं वाली, ये तो आप गिन सकते हैं। एक द्वादश फलक में फलकों की संख्या कितनी होती है? द्वादश मतलब होता है 12, ये संस्कृत का वर्ड है, और इंग्लिश में देखें तो आप डो डेका हेड्रोन बोल देते हैं। एक वर्गाकार प्रिज्म में कितनी सतहें होती हैं? वर्गाकार में चार होती है, सभी जानते हैं, चार भुजाएं। फॉर मेजरिंग डैश ओनली द सर्कुलेरिटी ऑफ कॉन्टर इज डिटरमाइंड, खालिस्तान के मापन के लिए केवल आकृति की चक्रीयता निर्धारित की जाती है, वो होती है गोलाई के मापन के लिए आकृति की चक्रीयता। चक्कर की बात आ गई तो गोलाई, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ही नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हैं। मैपिंग ऑफ ज्योमेट्रिक मॉडल्स इंक्लूड बोथ ट्रांसलेशनल मैपिंग एंड रोटेशनल मैपिंग, इसका आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों। मैपिंग के दौरान क्या है? ट्रांसलेशन भी करते हैं और रोटेशनल की भी, दोनों की हम इसको मापते हैं। नेक्स्ट है स्पीयर रेडियस इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंबल इन ड्राइंग बाई एस आर, गोले त्रिज्या जो है एस आर प्रतीक द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। सरफेस फिनिश इज स्पेसिफाइड बाय द सिंबल ऑफ ट्रायंगल, तो ये हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है पूरे की पूरे हैंड रिटन नोट्स के साथ और क्वेश्चनर्स के साथ हिंदी इंग्लिश दोनों में अगर पूरे की पूरे बेसिक इंजन ड्राइविंग की अगर आप चाहते हैं नोट्स, तो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से आप इस बुक को बाय कर सकते हैं सिर्फ 65 रुपये में। और इस चैप्टर की चाहिए आपको तो ये मैंने नीचे फेसबुक का लिंक दे दिया, वहाँ से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, और चैप्टर वाइज चैप्टर मैं आपको दिन प्रतिदिन 2-3 दिनों में सभी के सभी प्रोवाइड करवा दूँगा। लेकिन आपको जो है हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं स्पेशल, और उसके साथ क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे, तो वो उसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 65 रुपीज़। और किसी एक विनर को भी मैं आपको दूंगा वो फ्री बुक 2-3 दिनों के अंदर। आप कमेंट करके रहिएगा, कमेंट जितने ज़्यादा करेंगे आप, जितना अच्छा कमेंट जिसका लगेगा तो वही आपको जो है उसी को बुक मिल जाएगी। विनर जो है एक ही नहीं होगा, कम से कम 5 से 7 विनर हो सकते हैं, तो ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा। तो चलिए अभी आप इन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा, मैंने आपको नीचे प्रोवाइड करवाई दी है PDF। आसान आसान क्वेश्चन है, जैसे SP 46/2003 के अनुसार एक आयताकार सेक्शन की छड़ का संकेत होता है, तो ये होता है छड़। छड़ को दिखता है आप, विड्थ जो है बहुत कम होनी चाहिए, या फिर आप चौड़ाई बोल सकते हैं वो बहुत ही कम होनी चाहिए। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।